जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। जेन टेक्नोलॉजी इनके पास है, उसका भाव है अभी 255 रुपए के आसपास और 150 रुपए के आसपास की खरीद है। आज शेयर में 4% के आसपास की कमजोरी जरूर है, लेकिन ये शेयर पिछला साल भर तो एक रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन ये साल कमाल कर रहा है। अगर हम इस साल की बात करें, करीब करीब 2 महीने का समय बीता है, 30-35% शेयर ये चल चुका है और इनके भाव से तो अब काफी ऊपर है, 250 रुपए के ऊपर निकल गया है। रत्नेश, काफी तेज मोमेंटम पकड़ा है इस साल की शुरुआत से ही शेयर ने, अब क्या आपको उम्मीद है कि जो तेजी का जो सत्र इसमें चल रहा है, लगातार जो दौर बना हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसी आपको उम्मीद है? और ज़ेनटेक के चार्ट देखने पे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसमें लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो हमारे दर्शक है वो भी एक अच्छे लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको शेयर में बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंसोलिडेशन चल रहा था सेप्टेम्बर 2021 से, वो लगभग इसने ब्रेकआउट दिया है अभी फरवरी 2023 में। तो मुझे जब इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद में किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छी तेजी हमको देखने को आगे भी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए, एक स्टॉप लॉस अपना लगा ले 210 रुपए का, ऊपर मुझे टारगेट इसके 350 से 350 तक देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी बने रहना चाहिए 210 के स्टॉप लॉस से।